राहुल लोधी को पार्टी में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो विचारों से प्रभावित होकर आया था? अगर विचारों से प्रभावित होकर आया था तो फिर वो इंतजार करता। वो दल बदल करके आया, आपने उसको निगम का एक बनाकर मंत्री पद का दर्जा दे दिया, उसको पार्टी का टिकट दे दिया, ये हम क्यों कर रहे हैं? पार्टी वही अच्छी होती है जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को तैयार करे, परिवारवाद नहीं आए। ठाकरे के ज़माने में, पटवाजी के ज़माने में हम लोग दूसरी पीढ़ी के लोग थे। ठाकरे जी ने, प्यारे लाल जी ने, पटवाजी ने, जोशी जी ने, सकलेजा जी ने हमको तैयार किया, हमको आगे बढ़ाया, हम दूसरी पीढ़ी के लोग तैयार हुए। हमारे सामने तीसरी पीढ़ी आई, शिवराज जी की, नरेंद्र सिंह तोमर की ये पीढ़ी आई। इसको साथ हमने, हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया, उनके नेतृत्व में किया, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। तो क्या कारण है कि तीसरी पीढ़ी की उपेक्षा हो रही है? हम पद नहीं चाहते हैं, पद हमको नहीं चाहिए, परंतु तीसरी पीढ़ी से सलाह मशविरा करना, उनसे बातचीत करना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ना उनको बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है। और हार के कारणों की आप समीक्षा कर रहे हैं तो महंगाई एक कारण है, महंगाई एक कारण है। बिना कारण के राहुल लोधी को लेकर टिकट देना एक कारण है। मध्यम वर्ग जो जिसने जनसंघ के जमाने में भारत जनसंघ को जमाया, जिस समय उस समय ये कहा था कि ये बनियों की पार्टी है, मैंने व्यापारी की पार्टी है, जिस वर्ग ने गालियां खाई और हमारे को सहयोग दिया, आज सबसे उपेक्षा ज़्यादा अगर किसी की हो रही है तो मध्यम वर्ग की हो रही है। ये बात मैं पहले भी अपने प्रेस नोट के माध्यम से कह चुका हूँ। क्या गुनाह किया मध्यम वर्ग ने? उनका व्यापार छीना जा रहा, ऑनलाइन बिजनेस, बड़े बड़े माल, पूंजीपति रिटेल में आ गए। जो 10-10 बट्टी साबुन की लाकर धंधा करने वाला था वो आज परेशान है, उसकी कमर टूट गई है कोरोना में। सरकार की मदद की आवश्यकता है, किसान की मदद हो रही है, होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, परंतु निम्न मध्यम वर्ग की उपेक्षा क्यों हो रही है, ये भी एक कारण है। हार के कई कारण हैं, उन पर ईमानदारी से समीक्षा होकर उन कारणों, भविष्य में उन कारणों से हमारी कहीं हार न हो, इसके लिए प्रयास। पहले पार्टी सामूहिक नेतृत्व चलती थी, अब सामूहिक नेतृत्व नहीं चल रही है। अब ऐसा लगता है एक व्यक्ति की तानाशाही पार्टी पे चल रही है, या कुछ ऐसा हो गया? मैं तानाशाही तो नहीं कहूँगा, पर जो सामूहिक नेतृत्व से बातचीत करके, सलाह करके, सामूहिक सबसे विचार करके जो बेहतर होता, जो किया जाता था, वो अब नहीं हो रहा है। इससे पार्टी को नुकसान है? हो रहा है नुकसान। जो हमारा बोर्ड बैंक था, जो मध्यम वर्ग हमारा बोर्ड बैंक था, जिसने हमारे पीछे गालियां खाई, उस मध्यम वर्ग को, गरीब तबके को, हमारे समर्थकों को संभालना अति आवश्यक है। उसको, उसकी कठिनाई, परेशानियों को दूर करना अति आवश्यक है। ये पूंजीपति जिस तेजी से सब क्षेत्रों में कब्जा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ले लो, जिस तेजी से पूंजीपति कब्जा कर रहा है, इससे तो सारी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में जा रही है।